नसीन आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर उमरकोट के जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डॉक्टर शाहनवाज के केस पर बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज के इस केस में जो है अब कुछ नए चौंका देने वाले इंकशाफ सामने आए हैं मकतूल के घर वालों को जो है खुद पुलिस की जानब से धमकियाँ दिए जाने का भी इंकशाफ हुआ है और सिंध के दो ताकतवर तरीन वज्रा जो है वो आपस में शाहनवाज के मामले को लेकर जो है वो उलझ पड़े हैं जगड़ पड़े हैं और एक दूसरे के लिए दो तारी तलवार इस वक्त बन चुके हैं एक मिनिस्टर जो है ख़ुद डॉक्टर शाहनवाज के कातिलों को बचाने के लिए मुबैना तौर पर कोशिशें कर रहे हैं जबकि दूसरे मिनिस्टर जो है उन कातिल पुलिस अफसरों को उनके मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है वो एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं ये दोनों मिनिस्टर कौन हैं और इसमें किसकी जीत हो सकती है इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे जबकि सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मैमन नामालूम वजूहत की बिना पर इतने बड़े सानहे के रूना होने के बाद एक लम्हे के लिए भी जो है वो मीरपुर खास और ख़ुद उमर कोट ना गए इसकी क्या वजह है इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे और किसने जो है उमरकोट के एसएसपी को बुजदिली का ताना दिया और क्यों यह ताना दिया इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे ना मैं हूँ हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो डॉक्टर शाहनवाज का जाली पुलिस मुकाबला जो कि अब साबित हो चुका है साबित होता चला जा रहा है कि उन्हें जो है वो पकड़ कर जो है पुलिस वालों ने गोलियों से हलाक किया और उसके बाद उनकी मौत को जो है उनके साथी के फायरिंग का शाखसाना करार दिया और इस मकसद के लिए उन्होंने जो है मीरपुर खास के सिविल हस्पताल से जो है वो एम के ज़रिए एक जाली एम रिपोर्ट भी बाई फोर्स बनवा ली अब हमीद रंगून वाला जो हमारे नुमाइंदा खसूसी है खुद उमरकोट के उन्होंने जो वहाँ से एक रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के दो वजरा जो हैं एक ज़ियाउल उलसल लंजार और दूसरे उमरकोड से ताल्लुक़ रखने वाले एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं सरदार शाह आपस में जो है एक दूसरे से जो है वो उलझ पड़े हैं दस्ते गिरेबाँ होते होते रह गए दरअसल कहा यह जाता है बाखबर ज़राए का ये कहना है कि मकतूल डॉक्टर शाहनवाज की जो रूपोशी थी वो ख़त्म करवाने में ख़ुद मिनिस्टर जो है सरदार शाह का बड़ा मरकजी किरदार है कहा यह जाता है कि मकतूल डॉक्टर शाहनवाज ने जो है इस यकीन दहानी पर उधर सरदार शाह से टेलीफोन पर बात करने के बाद कि वो अपनी रुपोशी ख़त्म करते हैं वो अपनी गिरफ़्तारी इस शर्त पर जो है उमरकोट पुलिस को देते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा उनके साथ इंसाफ किया जाएगा उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे की शफाफ तरीके से तफ्तीश होगी और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जरा का ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिसी के इंतहाई के इंतईमा जरा ख़ुद मिनिस्टर सरदार शाह के जो करीबी रफ़ा हैं उनका ये कहना है कि मिनिस्टर से उनकी बात हुई और मिनिस्टर ने उन्हें ये यकीन दहानी कराइए कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है ये उनकी गारंटी है वो गारंटियर बनते हैं तुम अपनी रुपोशी ख़त्म करो तुम अपनी गिरफ़्तारी पुलिस को दो और मैं तुम्हें जो है वो कोर्ट पर मैं पेश कराऊँगा और तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा डॉक्टर शाहनवाज को पूरा यकीन हो गया था कि उनके साथ इंसाफ़ किया जाएगा इसीलिए उन्होंने जो है वो अपनी रूपोशी का मुकाम यानी कि कैंट के स्टेशन के करीब वाक्य होटल के बारे में जो है मिनिस्टर को बता दी और उसके बाद आ, मिनिस्टर सरदार शाह नहीं जो है वो फिर कहा जाता है कि खुद वहाँ उमरकोट के जो एसएसपी हैं उन्हें जो है फ़ोन करके कहा कि भई ये जो आपका मुलज़म है ये कैंट स्टेशन के करीब होटल में ठहरा हुआ है आसिफ बलोच को उन्होंने फ़ोन किया और आसिफ बलोच ने उसके बाद अपने रीडर सब इंस्पेक्टर सत्तार समूह की सरबराई में जो है पुलिस पार्टी वहाँ पर भिजवाई कराची सिविल ने कैंट के करीब और उन्हें ताक़द की थी कि इस मुलजिम डॉक्टर शाहनवाज को जो है इंतहाई एहतियात के साथ खामोशी के साथ यहाँ उमरकोट लाया जाए इसम का जो है वो हुक्म जो है उनको दे दिया गया था क्योंकि मिनिस्टर्स है उन्होंने भी जो है ये वादा कर दिया था कि इस म्यूजियम को कोई आंच नहीं आएगी उन्हें इंतहाई महफूज तरीके से वहाँ से लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें यानी कि कानून के मुताबिक जो है अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा ये यकीन दहानी करवा दी गई थी खुद सरदार शाह सूबाई वज़ी तालीम को ये सारी बातें मालूम हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने किस तरीके से जो है वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया गया और उसके बाद जो है वो पुलिस मुकाबले का रंग देकर जो है वो उन्हें कत्ल कर दिया गया इसी दुख को लेके इसी अफसोस को लेकर जो है खुद सरदार शाह जो है फिर जिस तरीके से इसम्बली में गरजे पुलिस पर जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही जोशीला किस्म का जो है बयान वहाँ पर दिया उनका बयान कानूनी माहिन कहते हैं कि बिल्कुल वो जब्ता फौजदारी के दफ़ा एक सौ चौंसठ के ज़मरे में आता है कि उन्होंने खुद मुलजिम डॉक्टर शाहनवाज के जिंदा पकड़े जाने की तस्दीक इसम्बली के फ्लोर पर की उनके साथ भी ख़ुद उन्हीं की पुलिस ने धोखा किया जिसका उन्हें मलाल भी है जिनका उन्हें दुख भी है जिसका उन्हें अफसोस भी है और वो यकीनन इसका इजहार तो नहीं करें लेकिन यकीन दिल दिल में जो है वो शर्मिंदा है ख़ुद मकतूल डॉक्टर शाहनवाज़ से कि डॉक्टर शाहनवाज ने उन पर इतना बड़ा ट्रस्ट उन पर इतना भरोसा बरो, अपनी ज़िंदगी का भरोसा उन पर किया और उनके कहने पर जो है उन्होंने जो है वो अपनी रुपोशी ख़त्म करके अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी मौत के फरिश्तों के आगे मैं यही कहूँगा लेकिन इसमें डॉक्टर खुद जो है वो मिनिस्टर जो है मुराद ये सरदार शाह का कोई कसूर नहीं है उनके साथ जो है वो नीचे पुलिस वालों ने धोखा किया उनके साथ धोखा दिया और उनकी बात नहीं रखी गई अब कहा ये भी जा रहा है कि जब कस्टडी में उनके आ गए खुद जावेद जस्कानी डीआईजी आई जी खास के तो उन्होंने सबसे पहले ये टास्क जो है खुद मीर ए, 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 उमरकोट के जो एस एस पी है उनसे कहा कि ये नेक काम जो है वो आप सर अंजाम दें उनसे कहा गया कि ये आप करें नेक काम इसे जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में इन्हें हलाक कर दें लेकिन कहा जाता है कि आसिफ बलोच ने जो है कहा कि भाई ये मैं मिनिस्टर से कह चुका हूँ उसकी गिरफ्तारी का मैं ये काम नहीं कर सकता जिस पर उन्हें बुजदिली का ताना दिया गया और कहा कि ठीक है ये उसे मीरपुर खास पहुंचा दो मीरपुर खास पहुंचाया गया और उसके बाद जो है जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने हैं अब जो टीम ये बनाई गई है इस टीम पर जो है यहाँ जहाँ राइट्स रमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों के एतराज़ है वह तकरीब जो भी कानून पसंद शहरी हैं मुझ समेत सबको जो है वो इस कमेटी पर एतराज़ है ना जाने ये कमेटी किसने बनाई है, कमेटी को आई जी ग़ल नबी मम्मन ने, ने बनाई है या कि सूबाई वजी दाखिला ज़्यालार ने बनाई है अब कमेटी में जो है जिसको हेड बनाया गया कहा ये जाता है कि कल के प्रोग्राम कहा था कि ये जो परवेज चांडियो और वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं अब तो यह भी इतला मिली कि दोनों का कोई पीर एक ही है जिसके दोनों ये मुरीद हैं दोनों बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं अपनी उंगलियों में और दोनों एक ही पीर के मुरीद बताए जाते हैं अब जब इतने पीरी मुरीदी वाले हैं तो फिर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कैसे चल सकते हैं ये भी कहा जाता है इतला मिलिए कि जयाल अंजार से इस कमेटी का सरबरा जो है डीआईजी आई परवेश चांडियो को बनाने की जिद भी जो है खुद जावेद जस्कानी ने की थी और जावेद जस्कानी ने यह भी कहा था कि उन्हीं के मशवरे पर दूसरे मेंबरों को भी रखा जाए जिसमें फिर तारे दारे जो हैदराबाद के डीआईजी और ख़ुद बदीन के एसएसपी जो है शीराज नज़ीर को भी रखा गया और एक दूसरा कोई एसएसपी भी है इसी टीम में शामिल एक मेंबर ने हमारे नुमाइंदा खसूस अमीद रंगून वाला को ये इतला दी है कि ये तो लग ये रहा है कि सारा जो है एक माइंड सेट बना हुआ है इस पूरी टीम के सरबराह का और वो माइंड सेट के तहत ही जो है वो उसी डायरेक्शन पर इस वक्त चल रहे हैं कहा यह भी जा रहा है कि खुद परवेश चांडियों जो है मुबैया तौर पर जो है डिक्टेशन जो है वो जावेद जस्कानी से ही ले रहे हैं और जो उन्हें वो हिदायत दे रहे हैं उसी रुख पर जो है वो तफ्तीश को ले कर आगे बढ़ रहे हैं तो ये तफ्तीश जब इस रुख पर चलेगी तो फिर यकीन जो है ये टीम जो है वही सब कुछ करेगी जो खुद जावेद जस्कानी चाहते हैं वो जो कुछ खुद ज़िया लंजार चाहते हैं तो अब एक मिनिस्टर जो है वो टोपी ड्रामा करते हुए उन्होंने टीम तो बना दी सस्पेंड भी कर दिया दूसरों के आंखों में धूल झोंकने गए लेकिन वो कमेटी से जिस किस्म की इंक्वायरी करवा रहे हैं वो इंक्वायरी का मकसद जो है वो उनको क्लीन चिट दिलवाना है और जो उन्होंने एक कत्ल के बाद अपने जुर्म को ढांपने के लिए जो है वो उसे पुलिस मुकाबले का जो नाम दिया है या उनके अपने साथी के फायरिंग से जो उसकी हलाकत जाहिर की वो इसी को जस्टिफाई करेंगे ये डी आई जी परवेश चाणियों की सरबारी में जो टीम है वो यही सब कुछ करने जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ खुद उस टीम में शामिल एक मेम्बर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमारे नुमाइंदा खसूसी से ये कहा है कि ये सब कुछ ये इसी तरफ हम इस मामले को लेके जा रहे हैं अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्यों जिया लंजार ये सब कुछ कर रहे हैं कहा ये जाता है कि खुद जावेद जसकानी जब एसएसपी थे तो उनकी तमाम तर पोस्टिंग उस वक्त जो है खुद जिया लंजार ने ही कराई थी जब वो वजीर कानून थे वजीर दाखिला नहीं थे लेकिन उस वक्त भी उनकी बड़ी चलती थी और सारी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है कोई पंद्रह बीस पोस्टिंग है इन्होंने करवाई थी खुद जावेद जस्कानी के इनके इतने ज़्यादा गहरे ताल्लुक हैं संगत है इसी संगत के नतीजे में अब वो अपने यार को इस मुश्किल में जो है वो गिरता देखकर अब उन्हें जो है वो यारी निभाते हुए जो है वो उन्हें बचाने की जो है मुबैना तौर पर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल जराय का लेकिन कहते हैं ना कि ताड़ने वाले क्यामत की निगाह रखते हैं दूसरी जानब जो है वो सरदार शाह जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जाहिर है कि उनके साथ बड़ा धोखा किया पुलिस वालों ने उन्होंने एक जबान दी थी मकतूल को वो मकतूल को जो जबान दी थी वो उसका लाज ना रख सके उनकी ज़िंदगी को बचाने का कह चुके थे कि उनके साथ इंसाफ होगा ये क्या इंसाफ हुआ कि अदालत से पहले ही उन्हें जो है वो फैसला सुना के उसको जो है वो उनको उनसे ज़िंदगी छीन ली इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होगी अब यही इनको मलाल है सरदार शाह को वो इसीलिए जो है वो इसम्बली में चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं और वो अब इन कातिल पुलिस वालों को उनके मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने तौर पर एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं दोनों बासर हैं दोनों की रसाई जो है बिलावर जदारी भुट्टो तक आप तस्वीरें देख रहे हैं कि खुद सरदार शाह भी जो है वो खड़े हैं बिलावल सरदारी के साथ और ख़ुद अंजार भी जो है खड़े हैं खुद बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हुए तो रसाई दोनों की दोनों शेर पे सवा शेर है देखना अब ये है कि इसमें कौन जो है वो अपना काम करने में कामयाब होता है कौन इंसाफ दिलवाता है मकदूल डॉक्टर शाहनवाज को और कौन जो है डॉक्टर शाहनवाज के खून में रंगे हुए जिन पुलिस वालों के हाथ है वो उन्हें सुरखरू करवाने करुण में कामयाब होता है ये तो आने वाला होगा लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध पुलिस के आई जी नबी मैमन को क्या हो गया है इतना बड़ा वाक़ सिंध पुलिस की तारीख में शायद इससे बड़ा वाक्य पहले कभी पेश आया हुआ कि जिसमें पूरा आलमी मीडिया जो है वो चीख रहा है चिल्ला रहा है पुलिस की बरबरीत को जो है वो उजागर कर रहा है लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आई जी सिंध ग़ुलाम नबी मैमन एक लम्हे के लिए भी जो है वो न तो मीरपुर खास गए और न ही उन्होंने उमरकोट जाने की जहमत गवारा की लग यह रहा है कि उनके नज़दीक ये कोई आम वाक रूटीन का वाक्य इतना कोई बड़ा वाक्य नहीं है इसलिए उन्होंने जाने की वहां पर उन्हें तोफीक ना हो सकी हालांकि बहसत आई जी सिंह उन्हें वहां जाना चाहिए था उनकी पुलिस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया कोई मामूली सिपाहियों के खिलाफ नहीं हुआ आप जनाजों को तो कंधा देते हो कि उन्हें उन... कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए आगे क्यों होते लेकिन जहां आपके अपने डीआईजी पर जहां आपके अपने एसएसपी पर जहां आपके अपने पुलिस वालों पर जो है डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करने का इल्जाम है वहां आपने आंखें बंद की हुई आप वहाँ कनी कुतरा के यहां वहां गुजर रहे हैं आप वहाँ गर्म जमीन पर आप पैर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि मामला बड़ा हसास है बड़ा नाजिक है बहैसीत आई इस मनसब का कम अज कम आपको यानी कि तकरीम करनी चाहिए आप उसके वकार का ख्याल करते हुए जो है जो उसका तकाज़ा है आपको वहाँ जाना चाहिए था ये आपकी बुनियादी जिम्मेवारियों में शामिल है लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आप वहाँ पर नहीं गए कादर लाशारी के ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज करने के लिए आप आगे आगे थे आपने तो कह दिया था अमीर सऊद मक्सी को और अमीर सऊद मक्सी भी जो है उसके रोफाका ये कह गए कि भाई मुझे मना किया था खुद आई जी सिन्ना में तो एफ आई आर पहले देने ही दर्ज कर देते लेकिन अब जब उस नज़ीरा के वसा ने धमकी दी आई जी को कि भाई अगर ये आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया आप रुकावट बने रहे तो हम पाँच हज़ार लोग लेके जाएंगे मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर के घर के आगे धरना देंगे उसके बाद कहते हैं कि आई जी सिंह के मुँह से यानी झाग निकलना शुरू हो गया और उसके हाथ पाँव फूलना शुरू हो कहा कि ठीक है एफ आई आर कर दो तो। अब जाकर जो है वो पाँच दिन बाद जो है खुद दादू के एस एस पी ने जो है वो एफ आई आर दर्ज कर दी बिल और मुकदमा जो है वो हो गया क्या नाम है एफ आई आर नंबर जो है तैंतालीस बटा दो हज़ार चौबीस वाई पांदी थाना था था है दादू का और ये सेक्शन जो है तीन सौ दो एक सौ नौ तीन सौ इकतालीस एक सौ सैंतालीस एक सौ अड़तालीस एक सौ उनचास पाँच सौ चार ये है माशूक लाशारी एजाज लाशारी रहीम दाद उर्फ मलंग लाशारी और कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कादर लाशारी का भी नाम इसमें मैंशन किए गए गालिबा वो 109 जो है वो उन्हीं पर लगेगा क्योंकि वो मौके पे नहीं थे आनाते जुर्म आनाते कत्ल का इल्ज़ाम उन पर जो है ख़ुद नजीरा के वालिद और उनके दूसरे वरूसा की जानब से लगाए गए कि उन्होंने जो है उनके प्लाट पर ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए ये दंगा फसाद किया था और आई जी ग़ुलाम नबी मैमन जो है वो इस कत्ल केस के मरकजी मुलिम को बचाने के लिए अपने मनसब का जो है नाजायज़ इस्तेमाल करते यहाँ तो आई जी साहब फुर्ती दिखा रहे हैं लेकिन जहाँ उन्हें जाना चाहिए था जहाँ एक बेगुनाह डॉक्टर जान गई डॉक्टर शाहनवाज की वहाँ पर जो है वो नहीं गए यानी क्या मैं इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ नासिरी जानब जो है वो उमर कोट पुलिस जो है वो पता नहीं क्यों मकतूल जो है डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों को प्रेशरइज़ कर रही है अब आप सुनिए कि उनकी अहलिया क्या कह रही है आप पहले सुने कि उनकी अहलिया क्या इल्जाम लगा रही है हाँ डॉक्टर शाहनवाज जीजान का उनका वधिक बदतर तो है जो पुलिस असा के अठ बजे का प्रेशर विजिल मुझे सौ रोज जो इन हादसे का पोए जो सैनिक तवाजन सही को ने हथ टोके साइन कराए केस बंद कराए एफ दाखिल न थी करे चेती जी आई टी मंजूर पुलिस तहकीकत कंदी जो पता के मंजूर को ने खुदा रहा मुझा कर जा साथी हो मुझे साथ दियो साथ दियो मुझे सॉरी प्रेशर में साइन कराए भैया आए जेको बयान ना मंजूर आए आओ, हु, 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 ना मंजूर आओ ना मंजूर आए

पुलिस उन पर प्रेशर डालकर उनसे अपनी मर्जी का बयान ले रही 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 है, है है, है है। उनके ससुर जो 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 वो 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 उनकी सही नहीं है। वो डर गए हैं और और गलत रहे, कुछ कुछ कह रही है। और उनकी जो कुछ कह साहबजादी

गिरफ्तार करके उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ये ख़ुद मकतूल डॉक्टर शाहनवाज की अहलिया की पुकार थी अब दो मिनिस्टर इस वक्त आपस में लड़ पड़े हैं अब खुद हुमेन राइट्स पाकिस्तान वालों ने जो है वो इस कमेटी को रद्द कर दिया जो कमेटी रबड़ एस्टेम का, का काम कर रही है जो कि परवेश चाण्यू की सरबराई में है वो इसको नहीं मानते हैं अब जब तक होम डिपार्टमेंट से जो है लेटर नहीं जाएगा जुडिशल कमीशन के लिए उस वक्त तक कमीशन नहीं बन सकता और होम डिपार्टमेंट उस वक्त तक नहीं भेजेगा जब तक कि सूबाई वज़ी दाखिला ज़िया लंजार उसका हुक्म नहीं देंगे और ज़िया लंजार ने आज तीन चार दिन गुजर गए अभी तक उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया तो इससे यही बात सामने मालूम होती है कि खुद जयाल अंजार जो है वो मुबैन तौर पर जो है वो इस इतने संस अहम तरीन मामले में जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं कि जहाँ उन्हें पूर्ति दिखानी चाहिए तो वो पूर्ति दिखाया नहीं रहे बल्कि वो तो इन कातिल पुलिस वालों को एक तरीके से बचाने के लिए उन्होंने एक इस किस्म की कमेटी बनाई है जो कमेटी उनको जो है क्लिन छिट देने की कोशिश इस वक्त कर रही है हालाँकि होना तो ये चाहिए कि वो अब होम डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट भिजवा कर जो है वो ये जुडिशल कमीशन कायम करने का ऐलान कर दे और किसी हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज को उसका सरबरा बनाकर इस सारे मामले की जो है वो शफाफियत से जो है वो इंक्वायरी शुरू करवा दे लेकिन चूंकि अगर इस तरह से होगा तो उनके अपने जिगरी यार जो है वो उसके ज़द में आ जाएंगे वो फंसेंगे लिहाजा वो ये नहीं चाहते हैं ये अंदाजा लगा लें कि सिंध की वजारत दाखिला सिंध के होम सेक्रेटरी सिंध के चीफ मिनिस्टर, सिंध के आई जी जो है कितनी ज़्यादा बेहसी का इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पत्थर दिल जो है मकतूल डॉक्टर शाहनवाज की बेटी की जो चीख व पुकार है जो उसकी आंसू है वो आंसू भी जो है वो इन बड़े जो उनन के बिला वजह कत्ल कयो वयो है न मुखे इंसाफ खपे खलील कुमार डीआईजी मिरपुर खास एसपी मिरपुर खास ऐसा जो सिंदड़ी विनन चारन जो वडो 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 अहम किरदार है मुजे बाबा जी कत्ल में आई जे उनन जी लाश के साड़ी वाय उनन के एडी वडी फांसी देन खपे उनन के साड़ी वने उनन के कत्ल कयो कत्ल जो बदलो कत्ल हुदो तो, उनन के मारे वने सिंध पत्थर दिल को जो है वो पिघलाने में जो है वो कामयाब ना हो सकी और वो अपनी रवइश पर कायम है कि उन कातिल पुलिस वालों को कैसे जो है वो इस मुसीबत से सुरखुरू करवा कर उनकी जान छोड़वाई जाए तो ये था तनाज़ी आज का हमारा प्रोग्राम अब देखना है ये कि एजुकेशन के मिनिस्टर सरदार शाह जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं अब सारी जो गेंद जो है वो इस वक्त मिनिस्टर सरदार शाह की कोर्ट में है अगर उन्होंने थोड़ी सी कोई हिम्मत दिखाई तो वो शायद डॉक्टर शाहनवाज के साथ इंसाफ़ करने में कामयाब हो जाए वरना हमें कुछ इंसाफ होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ नाजीन इजाज़त चाह से पहले मैं जावेद जस्कानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जावेद जस्कानी से कुछ मेरी भी कुछ अरसा जो है टेलीफोनिक रबता रहा है बात होती रही अच्छे भले इंसान हैं अच्छे भले उनके ख्याल हैं पिछले दिनों उनके किसी दोस्त ने जो है वो उनसे गुफ्तू भी की थी इस वाक़े के बाद और उन्होंने जो है वो उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की कि आपसे ये सब कुछ मुझे तो नहीं थी यही मेरा भी उनसे गिला है कि मुझे भी उनसे ये सब कुछ की तो नहीं थी जिस किस्म के इल्ज़ाम उन पर आयद किए जा रहे हैं अगर ये इल्ज़ाम वाकई हक़ पर मब है तो ये बहुत ही गलत काम उनके हाथ से सरजद हुआ हमारा प्लेटफार्म हाजिर हाँग है अगर वो भी कुछ कहना चाहते हैं या दूसरे जो पुलिस वालों पर जो इल्ज़ाम है असद चौधरी कुछ कहना चाहते हैं या ख़ुद इनायत जरदारी जो डी एस पी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है मेरे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला से वो रबा कर सकते हैं या बराह मुझसे भी रबता कर सकते हैं उनका मौक़ भी जो है मन व अन जो है हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे अगर वो रबता करते हैं तो इसी के साथ चाहता हूँ